लोकसभा के उपचुनाव में हुआ 47.45% मतदान, मतदाताओं में दिखा उत्साह। रिटर्निंग ऑफिसर व डीएम राजीव रौतेला और एसएसपी सत्यार अनिरुद्ध पंकज ने लिया बूथों का जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले किया बूथ पर मतदान, कहा जबरदस्त जीत हासिल करेंगे उपेंद्र दत्त शुक्ला। गठजोड़ की राजनीति से भ्रमित है जनता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने भी दबाया ईवीएम का बटन, कहा ऐतिहासिक जीत होने जा रही है भाजपा की। जिला प्रशासन और गोरखपुर न्यूज की अपील का हुआ सीधा असर, नगर निगम चुनाव से भी ज्यादा पड़े लोकसभा उपचुनाव में वोट। गोरखपुर न्यूज ने की थी सेल्फी की अनोखी पहल। मतदान कराकर लौट रही पोलिंग पार्टियां, अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम। कांग्रेस प्रत्याशी सुरीता करीम ने भी डाला अपना वोट, गोरखपुर न्यूज से कहा जनता चाहती है परिवर्तन। भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल ने किया मतदान, कहा निश्चित होगी जीत। सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने भी किया मतदान, कहा गोरखपुर की जनता देगी साइकिल को आशीर्वाद। ईवीएम की खराबी से मतदाताओं में रोष, प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी, तुरंत बदला ईवीएम मशीन। गोरखपुर के घोसीपुर का है मामला। और 50 बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए की गई निगरानी, कंट्रोल रूम से मिलता रहा पल पल का खबर।